नमस्कार, मैं सुशील पाल। सुबह से शाम हो गई है, बजट को आपने सुन लिया होगा टीवी के ऊपर और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बातें रह गई होंगी जो आपसे छूट गई होंगी, और इसीलिए हम बहुत आसान भाषा के अंदर कि आज बजट मोदी सरकार का कैसा रहा है, इसको समझने के और समझाने के लिए हमने एक एक्सपर्ट को बुलाया। इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं दिव्या मिश्रा जी। दिव्या मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ हैं और उनसे बातचीत करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार का जो बजट आज जारी हुआ है, इस बजट से जो उम्मीदें लोगों को थी उस तक क्या मोदी सरकार पहुंच पाई है। मैम, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आज के बजट में मोटी मोटी कौन सी ऐसी बातें थी जिन्होंने आम नागरिक को टच किया, छुआ, और उससे कोई लाभ वाकई मिला है क्या उनको? सबसे इम्पोर्टेंट आज के बजट के अंदर इन्होंने कुछ कुछ टर्म्स यूज़ करे, जैसे पॉल्यूशन, हेल्थ, उसके बाद में इन्होंने बोला कि हमको युवा को और मिडिल क्लास को परचेजिंग पावर बढ़ानी है उनकी, जो कि आज की तारीख के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि अभी जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है उस तरीके से सबसे ज़्यादा सबके मन में यही आ रहा है कि हम किस तरीके से इस महंगाई को के साथ में एक मिडिल क्लास, दैट मींस एक मध्यम वर्गीय लोग जो है वो कैसे कोप अप करें। और इस बजट की शुरुआत ही इन्होंने ऐसे करी कि हम सबसे ज्यादा पैसा मध्यम वर्गीय लोगों को देंगे, और उसके लिए इन्होंने कुछ लुभावने वादे भी किए हैं, और उसमें से एक तो ये बोला इन्होंने कि हम इनकम टैक्स के अंदर थोड़ा सा स्लैब में आपको और ऑप्शंस देंगे। जैसे पहले स्लैब थोड़ा सा कम था, अब स्लैब में इन्होंने इंक्रीज किया है। दूसरा, इन्होंने एग्रीकल्चरल सेक्टर को थोड़ी इम्पोर्टेंस दी है, जो कि इससे पहले वाले बजट्स में नहीं थी। और जैसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्पोर्टेंस आती है, वैसे ही ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है कि खाना अब हो सकता है कि लोगों के प्लेट तक आना स्टार्ट हो। और कल का अगर इकोनॉमिक सर्वे जो इन्होंने रिलीज किया उसमें आपने देखा तो वो थाली के ऊपर बोले हैं फॉर द फर्स्ट टाइम कि थाली जो है वो आपकी सस्ती हुई है। अब वो थाली सस्ती हुई है या नहीं हुई है ये तो आम जनता को भी पता है कि खाने की रेट बढ़ती जा रही है, लेकिन थाली जो है वो सस्ती नहीं हो पा रही है। लेकिन जो इस बार के बजट में एक चीज अच्छी लगी वो ये लगी कि इन्होंने वेयर हाउसिंग और फूड प्रोसेसिंग के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया है। इन्होंने ऐसा बोला है कि हम खाने को प्रोड्यूस करने से ज्यादा उसको बचाने के अंदर और उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए पैसा देंगे, और उसमें इन्होंने पीपीपी दैट मींस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी बात करी है। तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि थाली से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि हम प्रोडक्शन तो कर ही रहे थे, अब वो प्रोडक्शन पहले वेस्ट हो जाता था, अब उसके लिए इन्होंने बजट के अंदर पहली बार कुछ लेके आए हैं, तो वो थोड़ा सा सही लगा। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी क्या? किसानों की आय में बढ़ोतरी होने की आशंका थोड़ी है, थोड़ी नहीं भी है, क्योंकि जब हम इसी को थोड़ा सा और लिंक करते हैं ट्रांसपेरेंसी से, तो इन्होंने अपने बजट में दूसरा टर्म ये भी यूज किया है कि हम और ज्यादा ट्रांसपेरेंट होंगे, और मोदी सरकार ये वादा करती रहती है। तो अगर ट्रांसपेरेंट होते हैं और वेयर हाउसिंग में सच में इन्वेस्टमेंट होता है तो किसान जो है वो मिडिलमैन के ग्रिप से, आड़तियों के उससे बच सकते हैं, और उसके बाद में उस चीज को हम देख सकते हैं कि किसानों तक भी मुनाफा जा सकता है। और दूसरा, इसी को अगर हम लिंक करें तो इन्होंने एक और नया काम किया है, और वो है कि डेटा कलेक्शन के ऊपर पहली बार इन्होंने एक पूरा कमीशन बनाया है, और इन्होंने बोला है कि जो यूथ है वो डेटा कलेक्शन का काम सबसे ज्यादा कर सकता है। और डेटा कलेक्शन अगर हुआ और अगर वो स्मूथ वे में हुआ, जैसा कि बजट के अंदर हमने देखा कि उसके लिए इन्होंने कुछ अमाउंट भी डिसाइड किया इस पर, तो कहीं ना कहीं आंकड़े जब आएंगे तो सच्चाई पता चलेगी। लेकिन जो अभी तक का मोदी सरकार का इतिहास रहा, रिकॉर्ड जो अभी तक रहा है, वो तो ये रहा है कि आंकड़ों में बड़ा फेरबदल उन्होंने किया, बहुत ज़्यादा झूठ, यानी कि हमारी भी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी, हमारे हाथ भी जो इनपुट्स लगते हैं उसमें नज़र आता है कि आंकड़ों के अंदर बहुत फेरबदल करती है मोदी सरकार। ऐसे में इन आंकड़ों पर यकीन कैसे किया सकता है? हाँ, अब वो वाली बात तो है कि डेटा कलेक्शन अगर ऑथेंटिक होता है और अगर उसमें सरकार का रोल नहीं होता और वो सिंपल सिर्फ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है, जो कि फंड्स की कमी के कारण पहले कोई करना नहीं चाहता था, और अब जब आपने उसको बजट का पार्ट बनाया तो कहीं ना कहीं पे ये एक नए तरीके का एम्प्लॉयमेंट लेके आ सकता है, कि जो यूथ पहले इसके ऊपर स्ट्रगल करता था कि डेटा आएगा कहाँ से, अब वो इससे इनकम जनरेट कर सकता है अगर वो चाहे तो। और
अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी और अगर इसके अंदर भी आपका सिस्टम ऐसा रहेगा कि हम उस चीज़ को सही तरीके से लेकर के आए और गवर्नमेंट का उसमें रोल ना रहे, तो शायद आंकड़े हमारे भारत को चेंज भी कर सकते हैं। डेटा रिसर्च में एक युवाओं के लिए उम्मीद है जग जाएगी, हाँ, रोजगार पैदा हो सकता है। ये पहली बार बजट के अंदर ऐसा हुआ है कि हम डेटा कलेक्शन के ऊपर फोकस करेंगे। किसानों के लिए उम्मीद ऐसी की जा सकती है कि इस बजट से उनकी आय में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सरकार ने ये कहा कि अब हम उनके लिए किसानों के माल के लिए हवाई सेवा शुरू कर देंगे, रेल सेवा शुरू कर देंगे, और जैसा आप कह रहे हैं कि फूड प्रोसेसिंग वाली बात जो कह रहे हैं आप, लेकिन इन सबके बीच पीपीपी मोड का भी जिक्र आ रहा है उसके अंदर। प्राइवेट जब कंपनियां आ जाएंगी उस तरीके से, तो महंगाई बढ़ेंगी या किसानों को आय वाकई ज़्यादा देंगी ये प्राइवेट कंपनियां? इसमें वापस दोनों ही केस हैं कि जो बड़े किसान हैं वो इसके अंदर ज़्यादा फायदा लेके जाएंगे, बड़ा किसान फायदा लेके जाएगा ज़्यादा, और जो छोटे किसान हैं वो कहीं ना कहीं इससे वापस से अफेक्टेड तो होंगे। फिर हम इस बजट की कैलकुलेशन क्या मानी जाए कि किसानों की आय में वाकई बढ़ोतरी होगी क्या? जो निचले तबके का किसान है, छोटा किसान है, क्या उसको फायदा होगा या केवल बड़े किसान के ही फायदा दे पाई है मोदी सरकार? ज्यादा फायदा बड़े किसानों को होगा और छोटे किसान, अगर हम जैसे वेयर हाउस, वापस मैंने बोला कि कोल्ड स्टोरेज और आपके वेयर हाउस अगर बढ़ते हैं, तो बड़ा किसान अपने आप अपनी चीजों को स्टोर करने में कैपेबल है आज भी, और छोटे किसानों को ही इसकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और अगर हम उसको हर, जैसे इन्होंने बोला हम हर तहसील में, हर प्रांत के अंदर इसको खोलना चाहते हैं, तो अगर वो हुआ तो कहीं ना कहीं वो नीचे के तबके के किसानों को भी फायदा मिलेगा, मिल सकता है, उम्मीद की जा सकती है इस बजट से कुछ ना कुछ। ठीक है, महिलाओं के लिए खासतौर पर बजट में आज क्या उम्मीद लगती है, क्योंकि कुछ जो काम करने वाली महिलाएं हैं मेट्रो सिटीज में जो काम कर रही हैं या फिर हमारे शहरों में जो काम कर रही है, टैक्स लैब उनके लिए कम कर दिया है, लेकिन और कुछ आपको नजर आया? इतना ज्यादा तो महिलाओं के लिए था नहीं, और बोलने के लिए इन्होंने बोला है कि हमने महिलाओं को एक अमाउंट दिया है, आई थिंक 28,600 करोड़ का, कि वो सिर्फ महिलाओं से रिलेटेड ही होगा। अब इसमें जितना उम्मीद की गई थी कि महिलाओं के लिए इस बार थोड़ा सा ज्यादा कुछ रिलीफ मिलेगा और उनके लिए ज्यादा नए प्रोग्राम्स आएंगे, वो तो आए नहीं। लेकिन एक चीज वापस, क्योंकि एज एन इकोनॉमिस्ट न्यूट्रल होकर के अगर देखें, तो एक चीज फिर से थोड़ी सही हुई है, और वो ये हुई है कि उन्होंने एक कमिटी बनाने की बात करी है जो कि मैरिड एज के ऊपर नजर रखेगी। और क्योंकि वापस से हम जितनी भी मेजर प्रॉब्लम्स है रिलेटेड विद फीमेल्स अगेन, उनकी अगर कहीं ना कहीं बात करें तो वो मैरिज एज के साथ में रिलेट हो जाती है। मैरिज एज के साथ में ऐसे रिलेट होती है कि अगर बाय चांस आपकी जल्दी शादी हुई, जल्दी आप माँ बने, तो फिर आपके सर्वाइवल रेट के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। IMR MMR दोनों के इंक्रीज के अंदर, जिसके ऊपर भारत बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है अभी, तो अगर इससे हम एज को सच्चे में बढ़ा सकते हैं अगेन, लेकिन वापस यही हुआ कि एक कमीशन बनाया, अब उसको कितना लोग समर्थन उसका करेंगे, कितना नहीं करेंगे, और वो कितना सही चीज़ों में, मतलब अगर पेपर के अंदर आपने दिखाया कि एज ज़्यादा है लेकिन असली में एज ज़्यादा नहीं है, तो ये फिर से कारगर नहीं होगा। तो कमीशन बनाना एक तरफ से सही भी है, और कमीशन बनाना एक तरफ से ये भी है कि हमने इंस्टेड ऑफ लाइक ट्रेनिंग पीपल, हम उनके ऊपर वापस पुलिसिंग कर रहे हैं। इस कमीशन की ज़रूरत हिंदुस्तान को है क्या लगता है आपको, एज अ इकोनॉमिक एक्सपर्ट, लगता है आपको कि वाकई हाँ कमीशन की जरूरत तो थी हिंदुस्तान को या नहीं थी? जरूरत तो थी वैसे, लेकिन वो कमीशन काम क्या करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। कि अगर उसने वापस पुलिसिंग करी तो हम अब सभी देख रहे हैं कि हर चीज के अंदर जिसमें हमें ऐसा लगता है कि फोर्स किया गया है, उस चीज को सोसाइटी लेती नहीं है। और अगर हम उसको समझाएं और अगर हम उसको उसका पार्ट बनवाएं, अगर ये कमीशन ट्रेनिंग देने का काम करे, सॉर्ट ऑफ कि मतलब आपने लोगों तक पहुंच करके उस चीज को बताया समझाया कि जल्दी शादी करने के ये दुष्परिणाम है, तो कमीशन अच्छा काम कर जाएगा। लेकिन अगर कमीशन ने फिर से किसी तरीके की पेनल्टीज लगा दी, आपने जाकर के पुलिसिंग कर दी, आपने लोगों को जबरदस्ती रोका, तो कमीशन वापस एक कमीशन बन के ही रह जाएगा। अच्छा मैम, एक बात बताइए, इतना बजट बहुत भारी भरकम बजट होता है, 1,000 करोड़ रुपए का बजट जारी करती है सरकार हर साल, कहती है कि हम ये कर देंगे, सब स्मार्ट सिटीज की सरकार ने बात की, रेल के कुछ तेजस जैसी ट्रेन 1,000 चलाने की बात की, रोजगार की बात कहाँ रह गई? और रोजगार के नजरिए से क्या केवल बजट में केवल ट्रेन चलाने से या हवाई सेवा देने से या फूड प्रोसेसिंग खोलने से क्या रोजगार बढ़ जाएगा, इकोनॉमी उससे बढ़ जाएगी क्या,
ट्रिलियंस की जो सपना है मोदी सरकार का वो साकार हो जाएगा? इस मामले में बजट थोड़ा सा कमजोर रह गया, निराश कर रहा है और कहीं ना कहीं ये वापस से घुमा फिरा करके अपने लुभावने वादों से थोड़ा सा, जिस तरीके से मैंने बजट को पढ़ा तो उन्होंने हर जगह पे इसका एक बहुत क्लियर कट आंसर नहीं दिया कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रिमूव करेंगे, कैसे रोकेंगे। बस इन्होंने बार बार ये बोला कि अभी भी भारत के पास जो सबसे बड़ी पावर है वो उसका यूथ है और उस यूथ को हम यूज करना चाहते हैं, उस यूथ को हम एम्प्लॉयड करना चाहते हैं, उस यूथ को हम पैसा देना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने वो जरिए नहीं बताए कि देंगे कहाँ से, देंगे कहाँ से। और एक चीज इन्होंने फिर से बोली है कि जो पहले से ही पढ़ रहे हैं लाइक इंजीनियर्स हैं और आपके मैनेजमेंट वाले जो हैं, इनको इंटर्नशिप पे रखेंगे और इंटर्नशिप भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड के अंदर करेंगे। तो इन्होंने उन दो चीजों को रिलेट किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी हो और साथ में आपके इंटर्नशिप्स हो। तो जो डिफरेंस है बिटवीन क्लासरूम स्टडी एंड द ग्राउंड जो हम हमेशा देखते हैं, उसको ब्रिज अप करने की थोड़ी सी बात तो इस बजट में आई है। पर और लेकिन इंटर्नशिप से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा। हाँ, वही तो जहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो जो पहले से ही एम्प्लॉयड हो सकते हैं उन्हीं को आपने एक रास्ता दिखाया, जो बाकी लोग छूट गए थे उनको कहीं पे भी इसमें लिया नहीं है। फिर ऐसी इंटर्नशिप का क्या मकसद क्या है, मकसद क्या नजर आता है इंटर्नशिप का? मकसद जो मुझे ऐसा लगता है केवल एक स्किल्स की बात हो गई, स्किल्स रेडी हो जाएगी, लेकिन उससे कहीं ना कहीं रोजगार के बजट में मुझे कोई ऐसी बात नहीं, आपको कोई ऐसी बात नजर आई कि बजट में कहीं रोजगार का तो कुछ नहीं हुआ इतना ज्यादा वापस? मैं पहले भी अभी बोला था कि रोजगार के लिए उन्होंने डायरेक्ट कुछ नहीं किया है, लेकिन एक था उसको बनाने का काम तो किया है कि आप जो पढ़ाई करके जाते हो, जिसकी आज का युवा हमेशा बात करता है कि हमने क्लास में कुछ पढ़ा और जब हम फील्ड में जाते हैं तो कुछ और होता है, तो वो इंटर्नशिप से कहीं ना कहीं उसको ब्रिज अप करने के लिए एक रास्ता तो दिखाया है। तो जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कहीं ना कहीं उन्होंने प्रैक्टिकल फॉर्म तक लाने की बात तो करी है। अब उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा वो कहीं दिखता नहीं है। नई शिक्षा नीति की जब बात आई है तो नई शिक्षा नीति को भी हम समझना चाहते हैं। नई शिक्षा नीति 2019 में लाने की कोशिश मोदी सरकार कर रही थी, नहीं ला पाई, 2021 के बजट में डाला। नई शिक्षा नीति के जिस तरीके से अब कह रहे हैं कि हम बेरोजगारों को इंटर्नशिप पे देंगे, नई शिक्षा नीति में कुछ कोर्सेज को खत्म करने की बात होगी, कुछ में शायद स्किल्स की बात होगी, नीति आयोग का उसमें दखल होगा। ऐसे में क्या जो नई शिक्षा नीति होगी वो वाकई हमारे युवाओं को तैयार कर पाएगी उस तरीके से कि वो स्टार्टअप खोल पाएंगे, खुद का रोजगार, उनकी वो मानसिकता बदल पाएगी क्या कि हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें नौकरी देने वाला बनना है, वो मानसिकता परिवर्तन हो पाएगी क्या? इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर से नई शिक्षा नीति के अंदर इन्होंने आज जो एक नया वादा किया है, अगर वो होता है तो कहीं ना कहीं हम डाउन रोडन रूरल एरियाज के अंदर जा सकेंगे, और वो है कि ऑनलाइन कोर्सेज को वैलिडिटी दे रहे हैं ये। तो वो मुझे इस पूरे बजट के अंदर एजुकेशन से रिलेटेड थोड़ा सा एक पॉजिटिव पॉइंट लगा कि अगर ऑनलाइन कोर्सेज नौकरी पेशा लोगों के लिए वो एक तरीके नहीं, से पॉजिटिव हो गया। नौकरी पेशा के लिए नहीं, जो कि स्कूल या कॉलेजेस जा नहीं सकते, जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर वो ऑनलाइन कोर्सेज को भी वैलिड मानते हैं और जिनको ट्रेवल करने में टाइम लगता है, जो अपना घर नहीं छोड़ सकते, तो उनके लिए एक रास्ता तो खुला है वापस, उनके लिए एक रास्ता तो खुला हम है। थोड़ा सा अपनी एजुकेशन को वर्ल्ड वाइड आई थिंक लिंक करवा रहे हैं कि जैसे पूरा देश आज ग्लोबलाइजेशन डिजिटलाइजेशन की तरफ बात कर रहा है, तो उसमें एजुकेशन को भी हमने उसमें जोड़ा, तो ये थोड़ा सा इस बजट का एक पॉजिटिव पॉइंट था। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात, मोदी सरकार क्योंकि स्वदेशी के लिए बहुत जानी जाती है, उनका नारा है एक तरीके से सपोर्टिव बहुत रहे, और हाल ही में जब प्रधानमंत्री ने मन की बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि लोग अपने यहाँ के स्थानीय जो प्रोडक्ट हैं उनको परचेस करें, उनको बढ़ावा दें। लेकिन बजट के अंदर 100% FDI की बात आती है, हर बार FDI का जिक्र होता है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का असर, और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब क्योंकि आज की तारीख में मंदी जो है वो बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा है, उसी का असर मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में पड़ता हुआ नजर आता है, और मान लीजिए जब FDI पूरी तरीके से हो जाएगा और कोई कंपनी अपना पैसा तुरंत प्रभाव से खींच लेगी तो भारत की अर्थव्यवस्था को संभाला कैसे जाएगा? ये इनका वापस वही आपने जैसा कि सही पकड़ा कि जब हम इतना ज़्यादा स्वदेशी की बात करते हैं और FDIs आज की तारीख के अंदर अगर हम देखें तो उसको 100% नहीं करना था, क्योंकि अभी भी हम जैसा मोदी सरकार बोलती है कि क्वालिटी अश्योरेंस हमारा एंड एक उन्होंने नारा दिया था अभी रिसेंटली कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट खराब नहीं है,
आप इसलिए उसी को खरीदें। तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए पहले इतने जो मासेस हैं, जितने इतनी पॉपुलेशन है, उस तक पहले आपको खूब सारे स्टार्टअप्स तो स्टार्ट करने पड़ेंगे। आपने इतनी जल्दी जब उसको ओपन कर दिया, तो हम जो इंडस्ट्रीज हैं जो आपकी अभी मशरूमिंग स्टेज के अंदर है, आप उनको उसी वक्त मरवा रहे हैं। तो अभी जो बजट था उसके अंदर FDI का 100% होना थोड़ा सा इन स्टार्टअप इंडिया एंड स्किल इंडिया के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, एक संकेत दे रही है सरकार को ये कि एमएसएमई सेक्टर और GST इनका इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर कितना पड़ गया, क्योंकि अभी ये कहा आज के बजट के अंदर कि अप्रैल तक कुछ और सुधार भी होंगे। हाँ। पता नहीं कितने सुधार कर चुके जब से लागू कर चुके मोदी सरकार। जीएसटी का असर इकोनॉमी पे दिखाई दिया आपको? असर तो दिखा है। कैसा असर और क्या उम्मीद व्यापारियों को है? राहत कैसे दी जा सकती थी? मोदी सरकार चाहती तो कुछ और राहत दे सकती थी या दे सकती आगे भी, ऐसा क्या हो सकता था? ये अभी जहाँ तक मुझे लगता है और मैंने जितना इसके ऊपर देखा है, ये सब अभी हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। और ये हिट एंड ट्रायल करने के लिए इन्होंने फिर से गलत टाइमिंग लिया, क्योंकि अभी हमारी पूरी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो थोड़ी मंदी की तरफ ज़्यादा जा रही है, और ऐसे के अंदर अगर आप GST को ऐसा बोलते हैं कि इसमें सुधार हो सकता है, तो ऑब्वियसली जैसे कोई भी बिजनेसमैन है उसको उम्मीद होगी कि आगे जा करके ये थोड़ा सा और कम होगा, या फिर इसके अंदर हम जैसा चाहते हैं उस तरीके के चेंजेस होंगे। तो ना तो बिजनेसमैन की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल पा रहा है, और गवर्नमेंट अभी तक ये डिसाइड ही नहीं कर पा रही है कि हम किस तरीके की सिचुएशंस चाहते हैं इकोनॉमी के अंदर। तो वो जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं वो हमारे कहीं ना कहीं एक ना जैसे हम बोल सकते हैं कि डगमगाती हुई सोच कि इसको कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, अपनी बात को हम कितना अमल कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते, उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। नया टैक्स फॉर्म इकोनॉमी पे क्या असर डालेगा? कुछ डालेगा? राहत तो दे दी एक तरीके से, कहा, और मुझे जो समझ में आया वो समझ में आया कि कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो बात बराबर है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने कहा हटा दिए, दस्तावेज उसके दिखाने पड़ेंगे, अगर आपने वो चीज़ें ले ली तो आपको टैक्स में राहत नहीं मिलेगी। वो टैक्स फॉर्म जो अभी नया लागू हो जाएगा वो इकोनॉमी पे क्या असर डालेगा? डालेगा, टैक्स बढ़ जाएगा क्या उससे सरकार का या घटेगा? इसका सबसे अच्छा आंसर तो आपको एक CA ही दे सकते हैं, लेकिन एज एन इकोनॉमिस्ट अगर फिर से देखें तो टैक्स की चोरी ज़्यादातर इसलिए होती है क्योंकि हमें टैक्स पे करने के अंदर थोड़ा सा पेनफुल सिस्टम अपनाना पड़ता है, और अगर वो सिस्टम ईजी कर दिया जैसा जैसा इन्होंने क्लेम किया है कि हमने टैक्स स्लैब्स को और थोड़ा सा ब्रैकेट्स बढ़ा दिए उसके, और उसके बाद उन्होंने बोला है कि आपको अब बहुत सारे एग्जम्पशंस और बहुत सारे जो डिडक्शंस हैं उनसे राहत मिली है, तो आपको अब ईजी वे आउट पता है कि सिर्फ ये कुछ ही है जिनको हमें फिल करना है, तो हमें किसी CA की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें ऐसा लगेगा कि अब इसको भरना इजी है। ठीक है, तो हो सकता है कि कार्रवाई क्योंकि इजी हुई है तो उससे थोड़ा कलेक्शन इम्प्रूव हो, और बाकी तो आपने सही बोला कि हमने कान को एक तरफ से पकड़े या दूसरे तरफ से पकड़े, तो कुछ चीजों को हमने घुमा करके वापस उसी लेवल पे लेके आ गए। अच्छा, एक आखिरी सवाल LIC को लेकर, क्योंकि LIC के ऊपर इस देश का भरोसा बहुत ज्यादा था, है, लेकिन अब एक तरीके से वो प्राइवेट कंपनी पूरी तरीके से बन रही है, और LIC IPO आने वाला LIC का, ऐसे में निवेश बढ़ेगा या LIC का ये जो कदम बजट में था LIC को वापस जिंदा करती है, क्योंकि ऐसा कह रहे थे लोग कि LIC का पैसा डूबने वाला है। सरकार ने अपने बजट में बोला है कि वो डिसइन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेंगे, और डिसइन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने का ये पहला कदम है इनका कि इन्होंने अपने सबसे बड़े संस्थान को ही प्राइवेट करने की बात कर दी। तो जब इन्होंने पहले से ये दिखाना स्टार्ट कर दिया कि डिसइन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करने का काम करेगा, तो ये उसी तरफ का एक स्टेप है। अब इससे दोनों काम होंगे, क्योंकि अगर इसका IPO आता है तो शेयर मार्केट आज की तारीख के अंदर इकोनॉमी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और जिस तरीके से हम बजट में भी देखते हैं कि उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है जो आज से 10 साल पहले तक नहीं दी जाती थी, और उस इनकम जो उससे हम अर्न करते थे उसको भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस पहले नहीं दी जाती थी, लेकिन अभी ये एक का सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है। तो ऐसे में अगर LIC को उसके अंदर लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं पे ये इन्होंने स्मार्ट एक्ट किया है कि डिसइन्वेस्टमेंट भी हो जाए, LIC को डूबने से बचा भी लिया जाए, और जो लोगों का उससे मुनाफा होगा उससे हम टैक्स भी अर्न कर लें, तो ये वापस दोहरी मारी है।
दोहरी मारी है। अच्छा, एक चलते चलते एक आखिरी और, क्योंकि आप एक महिला भी हैं, इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें आपको भी हुई रही होंगी, महंगाई कम हो जाए, थाली वाली बात है, क्योंकि थाली का सर्वे पहली मरतबा पहली हुआ, मरतबा हुआ। थाली पे कोई असर दिखाई दिया? रिपोर्ट मैंने जो पढ़ी, मुझे बहुत हंसी आई उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, शाकाहारी थाली सस्ती हो गई सस्ती है, हो मुझे गई। कहीं लगा नहीं एज अ महिला, क्योंकि घर में खाना रसोई आप ही के जिम्मे होती है, हाँ, तो क्या लगा आपको? उम्मीद ही है बस केवल कि अगर हम स्टोरेज कैपेसिटीज को बढ़ा दें तो शायद इनका जो थाली का सपना है वो किसी दिन साकार हो। किसी दिन साकार हो। चलिए ठीक है, बजट से बहुत सारी उम्मीदें लोगों को थी, कोई खुश हुआ कोई ना खुश हुआ, विपक्षी दल का जो काम होता है वो उन्होंने किया। चलिए आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही।